रैंडी ऑर्टन ने जोड़ा अलेक्सा ब्लिस के आरकेओ ड्रू मैकइंटायर एंड गोल्डबर्ग ने लिया अपना बदला और जाने की क्या कुछ हुआ बड़ा आज मंडे नाइट टॉक के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स ब्लू एज। जी तो गाइस, आज की रॉ हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी बढ़िया रॉ रही है। इस रॉ की क्या खासियत थी वो हम दोस्तों वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। शुरुआत में बात करेंगे कि आज की रॉ की शुरुआत किस तरीके से हुई थी। तो गाइस, आज की रॉ की शुरुआत जो हम लोगों ने देखी है दोस्तों, वो देखी है ड्रू मैकइंटायर के रिटर्न के द्वारा। तो ड्रू मैकइंटायर जो कि COVID-19 से पीड़ित थे दोस्तों, अपना रिटर्न कर चुके हैं रिंग के अंदर आकर। दोस्तों सबसे पहले तो उन्होंने ये चीज बताई कि मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा WWE यूनिवर्स का। इसके बाद दोस्तों उन्होंने ये चीज बताई कि कोरोना से वो 100% ठीक हो चुके हैं। उन्होंने अपनी रिकवरी के प्रयास चौथे दिन से स्टार्ट कर दिए थे। इसके बाद दोस्तों ड्रू मैकइंटायर ने कॉल्ड आउट किया गोल्डबर्ग को, गोल्डबर्ग की बात करते हुए कि वो उनके बचपन के हीरो रहे हैं, लेकिन इस बारी की रॉयल रंबल में उन्हें उसी को हराना पड़ेगा। और रॉयल रंबल के अंदर वो गोल्डबर्ग की अजीबोगरीब स्ट्रीक का भी जिक्र किए हैं और वो ये दोस्तों कि इससे पहले गोल्डबर्ग ने जिसको चैलेंज किया है उसे पहले झटके में हराया है। ड्रू का कहना ये रहा कि इस बारी ऐसा नहीं होगा और रॉयल रंबल में जो जीतेगा वो ही जीतेंगे। जिसके बाद दोस्तों हमें एंट्री होते हुए नजर आ जाती है दमिस की। दमिज दोस्तों ना जाने क्यों वहां आ गए, दमिज अपने साथ मॉरिसन को लाते हैं और हमें ये चीज देखने को मिलती है कि फिर वहां वो बातें करने लग जाते हैं ड्रू मैकइंटायर को। ये चीज कहते हैं कि देख तू जीते या फिर वो जीते, एक चीज तो कंफर्म है कि वहां कोई ना कोई तो इंजर्ड होगा या फिर कोई ना कोई काफी ज्यादा थक जाएगा और उसके बाद मैं आऊंगा और मैं कर दूंगा कैश इन। इसके बाद दोस्तों एंट्री हो जाती है बिल गोल्डबर्ग की। बिल गोल्डबर्ग रिंग के अंदर आते हैं और ये चीज कहते हैं यू एंड मी एट संडे यो नेक्स्ट। और इसके बाद दोस्तों हमें एंगल देखने को मिलता है कि दमिज और मॉरिसन फिर से बातें मानने लग जाते हैं कि गाइस ड्रू मैकइंटायर एंड गोल्डबर्ग उन्हें एप्रन के ऊपर से खींचकर वहां पटक देते हैं और फिर दोस्तों जो हमारे बिल गोल्डबर्ग लगाते हैं तगड़े वाला स्पीयर दमिज को, दमिज दोस्तों बीच में से कट चुके थे। उसके बाद दोस्तों जो हमारे मॉरिसन है उठ करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें लगती है क्लेमोर जो कि ड्रू मैकइंटायर ने जड़ी है, उनकी मुंडी गिरी बाहर और पहला सेगमेंट हुआ है खत्म। इस सेगमेंट के अंत में दोस्तों दोनों ने एक तगड़ा फेस ऑफ भी दिया है और कुल मिलाकर दोस्तों सेगमेंट काफी मजेदार था। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों शार्लेट फ्लेयर का मैच। तो शार्लेट फ्लेयर वर्सेस शेना बेजलर, मैंने आपको बता रखा था मैच होगा। मैच से पहले हल्का सा इंटरव्यू होता है वहां शार्लेट का, उसके बाद दोस्तों शार्लेट रिंग के अंदर आती है। मैच के अंदर दोस्तों एंगल देखने को मिला कि गाइस जब शार्लेट फ्लेयर ने फिगर एट लगाया, नाया जैक्स ने आकर उनके चेहरे पर लेग ड्रॉप दे मारी जिसके चलते डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। उसके बाद दोस्तों वहां एंट्री हो जाती है डेना एंड हमारी अपनी मैंडी रोज की और गाइस दोनों वहां रेस्क्यू करने आती है शार्लेट को, लेकिन फिर नंबर्स गेम फिर से उल्टा हो जाता है क्योंकि लेसी वंस फिर से शार्लेट को मारने आ गई और फिर हमें देखने को मिला है वोमन का एक सिक्स वोमन टैग टीम मैच। तो इन महिलाओं की दोस्तों यहां टैग टीम मैच रखी गई थी फेस वर्सेस हील, आप समझ रहे हैं दोस्तों मैच के अंदर कितने हाई स्टेक्स थे। और रिजल्ट दोस्तों हमें इस तरीके से आते हुए नजर आया कि लेसी और शार्लेट लड़ते लड़ते वहां हो गई अपने आप में इन्वॉल्व, अंदर दोस्तों जो नाया है उन्होंने मैच को जितवा दिया। तो नाया जैक्स की डोमिनेंस हमें साफ देखने को मिली इस मैच के अंदर। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों जेवियर वुड्स का मैच। तो जेवियर वुड्स ने दोस्तों रेड रिबिशन के स्लैप जैक को फेस किया और गाइज इस पर्टिकुलर मैच की बात करूं इसके अंदर जेवियर वुड्स की परफॉर्मेंस बेहद जोरदार थी। रिजल्ट दोस्तों जेवियर वुड्स की जीत के द्वारा आया, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो काफी दर्दनाक था। हुआ क्या कि जेवियर वुड्स निकलकर बाहर निकले थे कि गाइज वहां टी बार ने उन्हें बिग बूट लगा दिया। उसके बाद रेट्रीब्यूशन ने दोस्तों उन्हें रिंग में ले जाकर बहुत पीटा है। वहां मुस्तफा अली दोस्तों चेयर लेकर आते हैं, एक्टिंग करते हैं कि वो मारेंगे लेकिन वो मारते नहीं, वो चेयर पर बैठ जाते हैं। ये चीज कहते हैं कि इस बारी की रॉयल रंबल में कोफी किंगस्टन नहीं होगा और उनकी जगह वो लेंगे। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हर्ट बिजनेस का प्रोमो। तो हर्ट बिजनेस दोस्तों रिंग के अंदर प्रोमो काट रही थी कि गाइज वहां आ जाते अपने आर्ट्रूथ। आर्टू दोस्तों 24 कैरेट कैरेट के पीछे पड़े हुए थे, गाजर के पीछे पड़े हुए थे। पूछते हैं लैशली से कि गाइस पीछे से 24 डिवीजन आकर उनके ऊपर धावा बोल देता है। इसी बीच दोस्तों हमें एंगल देखने को मिलता है कि जो हर्ट बिजनेस वाले हैं 24 डिवीजन की पिटाई करने लगते हैं। अंदर दोस्तों जो MVP थे वो अकेले थे और MVP को रिडल ने आकर नी जड़ दी और वहां से भाग खड़े हुए। तो काफी
फनी सेगमेंट था, काफी मजेदार था। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों आर्तुत का वही वाला सिनारियो जो कि मैंने आपको बता रखा था। दरअसल इस बारी आर्तुत का शिकार होना था, एजे स्टाइल्स फिर से शिकार पर निकले हुए थे, आर्तुत बात कर रहे थे कि एडम पेयर्स से कि उन्हें मिले रॉयल रंबल में अपॉर्चुनिटी। एजे स्टाइल्स आ गए जहां दोस्तों एडम पेयर्स ने वही बात कर दी कि एजे को हराना पड़ेगा तभी तो अपॉर्चुनिटी पा पाएगा। इसके बाद दोस्तों एजे वर्सेस आर्तुत हुआ जिसके अंदर एजे स्टाइल्स ने एक आसान जीत प्राप्त की है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला था, इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था शेमस का मैच। तो शेमस वर्सेस मॉरिसन मैच रखा गया था। इस पर्टिकुलर मैच की बात करूं शेमस ने दोस्तों बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया मॉरिसन को और उनकी कर दी पिन, जिसके बाद दोस्तों बिस्को आ जाता है गुस्सा। वहां दोस्तों उन्होंने फिर से उन्हें चैलेंज कर दिया लेकिन ये चीज कही कि इस बारी तू मुझे नहीं इसे नहीं तो हम दोनों को फेस करेगा। शेमस ने एक्सेप्ट किया जिसके बाद हमें यह हैंडीकैप मैच देखने को मिला। इसके अंदर दोस्तों शेमस ने दोनों की ऐसी तैसी फेर रखी थी लेकिन अंततः दोस्तों आप जानते हैं कि एक से भले धो होते हैं और इन दोनों ने दोस्तों शेमस को हरा दिया। मिस ने दोस्तों वहां फिनिशर लगाकर शेमस की पिन की है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो इसके बाद हमें देखने को मिला आज की रॉ का सबसे अतरंगी सेगमेंट। दरअसल बैकस्टेज दोस्तों रिक फ्लेयर जो है वो लेजी इवेंट्स के पीछे दिखाई देते हैं, उन्होंने लेजी इवेंट्स को कमर से पकड़ रखा था। सिचुएशन काफी टेंस थी, ऐसा लग रहा था मैं कुछ और ही देख रहा हूँ कि गाइस वहां एंट्री हो जाती शार्लेट फ्लेयर की। जैसे दरवाजा खोलती अपने पिता को देखती है दूसरी महिला के साथ, गुस्सा जाती है, चीज कहती कि पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं, मैंने आपसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहां दोस्तों रिक फ्लेयर पूछते हैं कि तेरे क्या है, जिस पर दोस्तों शार्लेट फ्लेयर ये चीज कहते हैं कि अब आप मेरी नजर में एक लेजेंड नहीं बल्कि ओल्ड मैन रहकर रह गए हैं। जिसके बाद हमें एक चीज देखने को मिलती है कि पीछे से लेसी इवंस ने उन्हें वमन्स राइट लगाया और बेचारी शार्लेट वहां गिर गई। वहां रिक आते हैं उन्हें उठाने लेकिन लेसी इवंस अपने प्यार के माया जाल में जकड़ कर रिक को वहां से ले जाते हैं। तो काफी अतरंगी सेगमेंट था गाइस, बात की जाए इसके बाद हुआ क्या। तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों अपना अलेक्सा ब्लिस का सेगमेंट। तो अलेक्सा ब्लिस फिर से प्लेग्राउंड में दिखाई दे रही है जिसे बाहर कहीं लगाया गया। अलेक्सा ये चीज कह रही है कि वो काफी ज्यादा खुश है रैंडी ऑर्टन के साथ जो कुछ हुआ सही हुआ। इसके बाद दोस्तों बात करती है कि आज उन्हें नया टॉय मिलेगा यानी कि वुमन चैंपियनशिप। बात की जाए अलेक्सा ब्लिस के सेगमेंट के बाद क्या हुआ है, तो इसके बाद हमें देखने को मिला है रीडल का गॉन्टलेट अगेंस्ट हर्ट बिजनेस। यहाँ दोस्तों सबसे पहले शेल्टन बेंजामिन से लड़े, शेल्टन बेंजामिन के दोस्तों उन्होंने पिन कर दी, रोलअप लगा दिया और उसके बाद दोस्तों रिंग के अंदर आए एमवीपी। एमवीपी भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए, उन्हें सबमिशन लग गया और उन्होंने कर दिया टैप आउट और उसके बाद दोस्तों एंट्री होगी सैड्रिक अलेक्जेंडर की। सैड्रिक अलेक्जेंडर का भी दोस्तों रोलअप लगा दिया वहां रिडल ने और गॉन्टलेट को जीत गया। उन्हें दोस्तों आगे जाकर अपॉर्चुनिटी मिलेगी यूएस चैंपियनशिप के लिए, ये समझ कर दोस्तों काफी ज्यादा खुश थे रैंप के ऊपर, काफी ज्यादा दोस्तों सेलिब्रेशन कर रहे थे। पीछे से आकर लैशली ने उन्हें हर्ट लॉक में फंसा दिया और रीडल पिट गए। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ बात हुआ, इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था एज का पाइप बॉम्ब। तो एज दोस्तों हमें आज सरप्राइजिंगली रॉ के अंदर दिखाई दिए, उन्होंने दोस्तों बंद कमरे में प्रोमो काटा जैसे कि पास्ट में काटे थे, ये चीज बोले कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। 2020 गवाए लोगों ने क्या सोचा था और क्या हुआ, दरअसल मैं ये चीज पहले ही समझ चुका था आज से लगभग 10 साल पहले जब मैं हैवीवेट चैंपियन था। एक हफ्ते में सिनारियो चेंज हो गया, मुझे रिटायर होना पड़ गया, मैंने अपनी वापसी की और रैंडी ऑर्टन को फेस किया और वहां मुझे इंजरी आ जाती है। यहां दोस्तों उनका यही मतलब था कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। आगे वो चीज बोले कि इस बारी की रॉयल रंबल के अंदर वो एंटर होते हैं, रॉयल रंबल में वो लड़ने वाले हैं, क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं यानी कि जो ज्यादातर लोग होते हैं या तो वो ट्राई ही नहीं करते या फिर वो ट्राई करते हैं और सक्सीड हो जाते हैं। यहां दोस्तों एज ने कहा है सी यू एट रॉयल रंबल। तो रॉयल रंबल के लिए दोस्तों एज हो चुके हैं कन्फर्म, काफी ज्यादा मजा आएगा। हालांकि इसे सरप्राइज रखा जाता और भी ज्यादा मजा आता लेकिन गाइस अब स्टेक्स हो चुके हैं हाई। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है, तो भाई इसके बाद हमने देखा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था अलेक्सा वर्सेस आस्का WWE Raw Women Championship और गाइस इसके अंदर लग रहा था कि अलेक्सा जीत जाएगी लेकिन रिजल्ट जो आया वो काफी शॉकिंग था। हुआ क्या कि गाइस वहां मैंडिबल क्लॉ में जकड़ दिया गया था आस्का को और लग रहा था कि वो टैप आउट कर देगी कि पीछे से दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने आकर अलेक्सा को जड़ दिया एक विशियस आरक्यू। बेचारी अलेक्सा वहां मुर्दे की तरह पड़ी रही, रैंडी गए निकल और सेगमेंट हुआ खत्म, रॉ हुई खत्म। बहुत बड़ा बदला लिया है दोस्तों और मुझे लगता है कि अब फीड को लौट जाना चाहिए, उनकी शागिर्द की पिटाई हो चुकी है। अलेक्सा ब्लिस को आर क्यों लगा, मेरा तो काफी ज्यादा दिल दुखा।
बट दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। रॉ को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे मैं देखना चाहूंगा। वीडियो आज की इतनी थी, टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर कीजिएगा वीडियो बनने से पहले। थैंक्स टू आवर मेंबर्स, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।